अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द प्रीवियस टू वीडियोस हमने ब्लड और ब्लड ग्रुपिंग कवर किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग कॉगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, एंड इन द कमिंग थ्री और फोर शॉर्ट वीडियोस दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉगुलेशन। सो कॉगुलेशन में क्या पढ़ना है आपको? कॉगुलेशन जो है, देखो, वेन एवर वी सफ़र फ्राम सम इंजरी, जब हमें इंजरी सफ़र होती है, जब हमें ट्रामा होता है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। बट आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इज़ प्रिवेंटेड। अब देखो, जो मैकेनिज्म होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इन रेस्पॉन्स टू इंजरी एंड ट्रामा, इसी को हम कॉगुलेशन बोलते हैं। सो कॉगुलेशन की डेफिनेशन क्या है? मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इन रेस्पॉन्स टू इंजरी एंड ट्रामा, और ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन स्कम, एक रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है एट द साइट ऑफ द इंजरी। और ये स्कम बना किसका होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स। जो फिब्रिन थ्रेड्स होते हैं, ये अगर फिब्रिन थ्रेड है, इन्हीं का नेटवर्क जो होता है उसी से बनता है। और ये जो इसका नेटवर्क है, दे ट्रैप डेड एंड डैमेज्ड फॉर्मड एलिमेंट्स। फॉर्मड एलिमेंट्स आपको पता है, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, फॉर्मड एलिमेंट्स हो गए RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। सो जो डैमेज्ड फॉर्मड एलिमेंट्स, जो डैमेज्ड WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स होंगी, ये उनको खुद में ट्रैप करता है और बनाता है क्लॉट। और इस क्लॉट को, या हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज़ कॉगलम। तो ये कॉगलम बनता है, ये क्लॉट बनता है एट द टिश्यू साइट, और सीलिंग हो जाती है उस ब्लड वेसल की, एंड द ब्लड लॉस इज़ प्रिवेंटेड। सो ये हो गया कॉगुलेशन की डेफिनेशन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ कॉगुलेशन, होता कैसे है। ठीक है, देखो, वेन एवर वी सफ़र फ्राम सम इंजरी, देखो इंजरी जब होती है टिश्यू पे, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती हैं ओब्वियसली। अब जब ब्लीडिंग होती है, जो प्लेटलेट्स ब्लड में होते हैं और जो टिश्यू होता है जिसकी इंजरी हुई, ये स्टिमुलेट होते हैं और ये करते हैं रिलीज सम फैक्टर्स। आपने प्लेटलेट्स की फंक्शन में पढ़ा था कि प्लेटलेट्स रिलीज सम फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स, और टिश्यू भी रिलीज करते हैं ये फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स जो हैं, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम दे एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज। देखो थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ब्लड में इन इनएक्टिव फॉर्म। सिमिलरली प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड बट इन इनएक्टिव फॉर्म। ये प्रोथ्रॉम्बिन होती है इनएक्टिव फॉर्म। एंड फिब्रिनोजन आल्सो हमने पढ़ा था, फिब्रिनोजन क्या है? इट इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो, अब ये जो ये रिलीज फैक्टर्स हुए प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू से, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन्होंने एक्टिवेट कर दिया एक प्रोटीन कम्प्लेक्स, एक एंजाइम कम्प्लेक्स को, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज की फंक्शन क्या है? ये प्रोथ्रॉम्बिन को, जो ब्लड में प्रोथ्रॉम्बिन प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। अब ये जो ये थ्रोम्बिन है, ये इंटर्न एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को, दैट इज़ फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। और हमें चाहिए क्या होता है? हमें फिब्रिन ही चाहिए होता है, क्योंकि फिब्रिन थ्रेड्स की वजह से क्लॉट बनता है। नाउ थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स द फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, फिब्रिन बनाता है, देखो, मैश बना देता है, और ये मैश ट्रैप करता है फॉर्मड एलिमेंट्स को। ये आ रहे हैं डेड फॉर्मड एलिमेंट्स, और कॉगलम बनता है, बन गए यहाँ पे क्लॉट और सीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस चेन ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम ब्लीडिंग, रिलीज ऑफ फैक्टर्स, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ये एक चेन लाइक होता है, चेन के शेप में होता है। दिस चेन ऑफ रिएक्शंस, इनको हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शंस। कैस्केड स्टैंड्स फॉर चेन। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि कैल्शियम प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, वो आपने यहाँ पे देख लिया, कैल्शियम का रोल होता है। सो दिस कम्प्लीट्स अवर कॉगुलेशन, और आपको कॉगुलेशन में इतना ही सफिशेंट है आपके लेवल पे, और एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही दिया है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ लिम्फ। सबसे पहले हम देखेंगे लिम्फ होता क्या है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कौन से हो गए? देखो, जब आर्टरी आती है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और न्यूट्रिएंट्स लेके, ये एंड होती हैं एज कैपिलरी। अब कैपिलरी में ब्लड जा रहा है, और ये है सेल्स जिनको इसको सप्लाई करना है। अब ये सेल्स
और जो ये कैपिलरी है इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इन सेल्स के बीच में आपस में जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक कलरलेस फ्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ, इसीलिए उसको दूसरा नाम बोलते हैं टिश्यू फ्लूड। अब ये टिश्यू फ्लूड जो है ये बनता कैसे है, देखो ये कैसे बनता है, जो हमारी कैपिलरी से यहाँ से ब्लड जा रहा है वहाँ से वाटर और सम वाटर सॉल्युबल सबस्टेंसेस इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं और वही होता है लिम्फ। ठीक है, अब देखो वाटर अलॉन्ग विथ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सबस्टेंसेस ये कैपिलरी से जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाते हैं और इसी को हम लिम्फ बोलते हैं। अब इसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, वो होगा वाटर एंड स्मॉल वाटर सॉल्युबल सबस्टेंसेस। जो लार्ज प्रोटीन्स इस ब्लड में है वो नहीं होंगे इस लिम्फ में, और जो फॉर्मड एलिमेंट्स दैट इज RBCs प्लेटलेट्स वो भी नहीं होंगे, लेकिन WBCs होते हैं इस लिम्फ में। ठीक है, वो आप अभी मैं आपको बोलूँगा कि स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो मिनरल डिपोजिशन होती है, देखो इसके बाद वाला पॉइंट जो है दैट इज सेम मिनरल डिपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, दैट इज जो इसकी इस लिम्फ की मिनरल डिपोजिशन और प्लाज्मा की मिनरल डिपोजिशन होती है वो सेम होती है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल। हमने पढ़ा था प्लाज्मा में सोडियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स, मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना, तो कंसनट्रेशन इनकी सेम होगी, बस फ़र्क इतना है कि लिम्फ में क्या नहीं होगा, एक तो फॉर्मड एलिमेंट्स नहीं होगी, RBCs नहीं होंगी, प्लेटलेट्स नहीं होंगी, लेकिन WBCs होंगी और लार्ज प्रोटीन्स भी नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है, देखो हमें पता है कि ये जो ये कैपिलरी हैं जिस जो हार्ट से आती है, आर्टरी से आती हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें ऑक्सीजन है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें ऑक्सीजन है, इसको देना है सेल को। अब बीच में लिम्फ प्रेजेंट है, सो ये जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है ये एक्सचेंज होते हैं थ्रू दिस लिम्फ। सो लिम्फ की फंक्शन क्या, लिम्फ का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। सो इसकी यही फंक्शन है। अब देखो ये जो ये लिम्फ है, लिम्फ कंटिन्यूअसली बन रहा है, कैसे कंटिन्यूअसली बन रहा है, आर्टरी से वाटर और वाटर सॉल्युबल सबस्टेंसेस इंटरस्टिशियल स्पेस में निकल रहे हैं और लिम्फ तो बिल्डअप होगा, लेकिन इस लिम्फ को ड्रेन भी करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और वो लिम्फेटिक वेसल इसको मेजर वेन्स में ड्रेन करते हैं। दैट इज आर्टरी आ गई यहाँ से, आर्टरी आर्टरी एंड हो गई एज कैपिलरी, कैपिलरी से बन गया यहाँ पे लिम्फ और इस लिम्फ को वापस ड्रेन कर दिया वेन्स में, वेन्स अब जाएंगे हार्ट के पास, हार्ट के पास फिर से होगा क्या, आर्टरी आएगी, आर्टरी फिर से टिश्यू के लेवल पे आएगी। सो ये हो गई सर्कुलेशन ऑफ दिस लिम्फ। ठीक है, नाउ देयर आर इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। यही लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में जितने जहाँ पे भी ये लिम्फेटिक वेसल्स है इसके नेटवर्क को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। दे कलेक्ट एंड ड्रेन दिस फ्लूड बैक टू मेजर वेन्स। यही मैंने आपको यहाँ पे समझा है। ठीक है, अभी आपने देखा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, सो हार्मोन्स को भी ये कैरी करने में मदद करता है। अब देखो ये जो ये लिम्फ होता है, अभी इससे पहले मैंने आपको बोला था इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, जो इसकी लिम्फोसाइट्स होती है वो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स नहीं होती, वो होती है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। और ऑब्वियसली लिम्फोसाइट्स को मैंने आपको पहले ही बोला था इनका काम क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, देखो वो क्या है। अब ये आपने अभी देखा कि ये कैपिलरी है और ये आपने देखा ये मेजर वेन है, ये लिम्फेटिक वेसल है, ये सेल्स है और ये टिश्यू है। अब मैं आपको एक सेकंड के लिए बोलता हूँ कि ये जो ये ट्यूब मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इमेजिन करो कि ये इंटेस्टाइन है, क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ऊपर से आ गया फैट अब डाइजेस्ट होके। अब ये जो ये फैट है, फैट को जब एब्जॉर्ब करते हैं एट द इंटेस्टाइनल लेवल, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू दिस लिम्फ। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इसी में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ से कौन इसको आगे ले जाता है, सिमिलरली इस लिम्फ को कौन लेगा, लिम्फेटिक वेसल इनटू मेजर वेन, वहाँ पे भी लिम्फेटिक वेसल ही इसको, इस फैट को अलॉन्ग विथ लिम्फ ले जाता है मेजर वेन्स में, और वहाँ पे जो ये लिम्फेटिक वेसल होती है इसको हम बोलते हैं लैक्टियल। सो लिम्फेटिक वेसल एट द लेवल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल विले, दैट इज कॉल्ड लैक्टियल एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ फैट थ्रू लिम्फ। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो एंड
आई होप अन अकेडमी प्रोडिजी के बारे में बताना चाहता हूँ। अन अकेडमी प्रोडिजी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो ये 27 फरवरी को 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो क्लास 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स जो 11th 12th के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज़ दैट इट इज़ फ्री, इसमें फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे। और अगर कहीं पे भी आप एनरोल करना चाहते हो, एंड आई रिकमेंड यू टू इसको एनरोल करो, क्योंकि एक तो ऑल इंडिया लेवल पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, दूसरा फ्री है, और इसमें प्राइजेस भी बहुत अच्छे से हैं आपको, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू रजिस्टर फॉर इट। एंड कहीं भी कोड मांगे तो एंटर बासित खान BASITKHAN, ठीक है। तो इसमें जो आपके प्राइजेज हैं, देखो इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, जैसे मैकबुक है रैंक 1 को, एप्पल आईफोन फ्रॉम रैंक 2 to 3, रैंक 4 to 5 में एप्पल आईपैड। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी प्राइजेस हैं। और पहले 10 रैंक्स को जो है अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। इसी हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो डू रजिस्टर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद जो है नीट 2020 के 2022 के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 25th से। सो जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हैं वो जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 25th से जो है आपका बैच नया स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी पे। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स होते हैं इस पे। तो एंड डू एंटर इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड वेन एवर इट आस्क फॉर सम कोड्स एंटर बासित खान, ठीक है। एंड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ये कोड एंटर करने पे, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। ये जो है आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हैं अपने मेंटर से। दिस इज़ आल्सो वन मोर फीचर एडेड ऑन एन अकेडमी। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स डू रजिस्टर फॉर इट। मैं इस सब का जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगी उसी में मैं दे दूंगा आपको सबको। जिसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो वहाँ से देख लेना। सो आई होप अच्छा रहा होगा ये सेशन, आपको समझ आ गया होगा। ये 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए जो है सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स हैं, 33% ऑफ चल रहा है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं डू रजिस्टर फॉर। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और हेल्प मी टू कम्प्लीट दिस सीरीज़। आई नीड योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।